वर्धन प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। नोवल कोरोना वायरस के चाइना में हुए आउटब्रेक के संदर्भ में लगातार यूं तो आपको सभी जानकारियां हम पहले ही दिन से जितने भी आपके साथ कम्युनिकेट करने के माध्यम में उनसे हम दे रहे हैं। डेली हमारे यहाँ से प्रेस ब्रीफिंग भी होती है। मॉनिटरिंग की दृष्टि से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक हमारे मंत्रालय में हमारे से लेकर हमारे अधिकारियों तक और सारे देश के चीफ सेक्रेटरीज संबंधित ऑफिसर्स के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डेली पीआईबी के माध्यम से आप सब लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयरिंग करने के माध्यम से और इसके साथ साथ जो अभी पीछे पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मैंने स्वयं स्टेटमेंट देके सारी जानकारियां लगातार आपके साथ शेयर की हैं। बीच में एक बार यहां आप लोगों से मैंने भी मीडिया को बताया था, स्टेटमेंट भी दिया था। इस बीच में प्राइम मिनिस्टर ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी एक बनाया हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी एक मीटिंग पहले हुई, एक मीटिंग आज हुई। इस बीच में लगातार हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर आपस में भी बातचीत करते रहते हैं। हेल्थ सेक्रेटरी भी जो संबंधित सेक्रेटरीज हैं, जितने भी संबंधित मंत्रालय हो सकते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री है, शिपिंग मिनिस्ट्री है और भी दूसरे जो संबंधित डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट, सभी के साथ लगातार बराबर हम लोगों का संपर्क बना हुआ है। आज क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग मॉर्निंग में की थी, उसका भी एक ऑलरेडी हमारे पोर्टल पे एक जानकारी ऑलरेडी शेयर की है, फिर भी हमने सोचा कि एक बार आपके साथ जो अभी तक का जो स्टेटस है उसको हम लोग, जो लेटेस्ट जानकारी है उसको हम लोग आपके साथ शेयर कर लें और आपके माइंड में भी कोई किसी तरह के कोई कंसर्न्स हो, बिकॉज वी वांट कि पहले ही दिन से हम कह रहे हैं, आप जानते हैं कि सारी दुनिया में शायद सबसे पहले इस विषय के ऊपर अगर किसी सरकार ने इवन मच बिफोर द WHO डिसाइडेड टू डिक्लेयर इट एज एन इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ कंसर्न फॉर द होल वर्ल्ड, हम लोगों ने तो 17 जनवरी को ही इसके संदर्भ में संज्ञान ले लिया था और उसी दिन जो है अपने कई एयरपोर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया था। तो मैं अभी एक मोटी जो जानकारी अभी तक का जो डाटा भी है और जो जानकारी है संबंधित, सोचता हूँ कि आपके साथ मैं अभी शेयर कर लूँ और उसके बाद कोई आपके मन में कोई इस संदर्भ में कोई सवाल होंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे। अभी तक जो हमारे पास आज तक की जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक चाइना के अंदर, पहले मैं चाइना के अंदर जो केसेस की जानकारी हमारे पास ऑफिशियल है वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, वो आज तक 48,206 केसेस वहाँ पर आए हैं और इसके कारण, नोवल कोरोना वायरस के कारण जो चाइना में डेथ्स हुई हैं अभी तक उनकी संख्या 1,310 है। अभी तक चाइना से बाहर ये जो बीमारी है इसका वायरस
28 देशों में, उसमें 3 देश अगर उनको हम सेपरेट देश मानते हैं तो हांगकांग, ताइवान और मकाओ, और 25 देश और, ऐसे मिला के 28 देशों के अंदर टोटल अभी वायरस हमारी जानकारी के हिसाब से है। पूरे वर्ल्ड में आउटसाइड चाइना अभी तक 2 डेथ्स हुई हैं, एक हांगकांग में हुई है, एक फिलीपींस में हुई है, और सारे मिलाकर जो केसेस चाइना के बाहर पॉजिटिव हैं उनकी संख्या 570 है, जिसमें से 492 उन 25 देशों में है और बाकी 78 जो है वो हांगकांग, ताइवान और मकाओ में है। इसके बाद जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो इशू है इसको हम लोग लगातार सब लेवल्स पर, ये स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉनिटरिंग पर्सनली बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेकर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक, और इस मिनिस्ट्री में और देश भर में सभी साथ में रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी कैबिनेट सेक्रेटरी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देश के चीफ सेक्रेटरीज के साथ भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में ही इसके सभी चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी थी, उनके साथ संपर्क किया, साथ में हमारे यहाँ से रेगुलर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है स्टेट्स के साथ, हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ रेगुलर बात होती है। हमने जो सभी स्टेट्स को 17 जनवरी को ही एक एडवाइजरी इशू कर दी थी, जिसमें उनको आइसोलेशन बेड्स एस्टैब्लिश करने के संदर्भ में, मास्क वगैरह को प्रोक्योर करके स्टोर करने के संदर्भ में, वेंटिलेटर्स की पर्याप्त सुविधा को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, और फील्ड लेवल पर जो सर्वेलेंस हमारा होता है, हमारा जो आप जानते हैं कि इंटीग्रेटेड जो डिज़ीज़ सर्वेलेंस मैकेनिज़्म है उसके, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, और साथ में जो रैपिड रिस्पांस टीम के एक्टिवेशन के दृष्टि से सभी स्टेट्स को हम लोगों ने 17 जनवरी को ही, और तभी से लगातार हम लोग उनके साथ बराबर टच में हैं। इसके साथ साथ जो रेलेवेंट गाइडलाइंस इशू करनी थी उनको, सर्वेलेंस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में, लैब सैंपल्स के कलेक्शन, पैकेजिंग, लैब सैंपल्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करना, क्लिनिकल मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, इसके साथ साथ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे होगा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, ये सारी गाइडलाइंस हमने डिटेल में उनको इशू की। जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उन पर, शुरू में आप जानते हैं कि 7 एयरपोर्ट्स पर हम लोगों ने स्क्रीनिंग शुरू की थी, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और कोची थे, और बाद में ये जो, और जब हमने शुरुआती दौर में पहले 2-3 दिन में ये स्क्रीनिंग शुरू की थी तो उसके साथ साथ थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की थी, तभी हम लोगों ने इन सब जगहों पे अपने यहाँ से 3-3 लोगों की, एक्सपर्ट्स की टीम्स भी भेजी थी कि भाई जो स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और साथ में जो वो हमने उनको हॉस्पिटल्स के लिए आइसोलेशन के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए कहा है वो फैसिलिटीज़ भी ठीक से क्रिएट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये हम लोगों ने उसी समय शुरू किया, और बाद में वो फिर 21 एयरपोर्ट्स तक जो है एक्सटेंड कर दिया, अभी 21 एयरपोर्ट्स पर ये स्क्रीनिंग होती है। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े और छोटे जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने स्क्रीनिंग की शुरू, और इसके साथ साथ जो आप जानते हैं कि जब पहला केस नेपाल में आया तो उसी समय हमने उसके ऊपर कॉल लिया, और जो नेपाल के साथ बॉर्डर है, जो जैसे सिक्किम का है या वेस्ट बंगाल का है या बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है, उत्तराखंड वगैरह का, इन सब बॉर्डर्स पर भी हमने होम मिनिस्ट्री की मदद से और वहाँ पे पंचायती राज मिनिस्ट्री की मदद से, वहाँ पर जो पंचायत्स हैं, ग्राम सभा हैं, उनके अंदर और उस बॉर्डर्स पे भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग उसी समय
शुरू कर दी थी, तभी एक बफर स्टॉक N95 मास्क का और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हम अवेलेबल करने के लिए बफर स्टॉक भी रहे। और आप जानते हैं कि स्टेट्स को भी एडवाइज़ किया प्रोक्योर करने के लिए, और साथ में उसका जो एक्सपोर्ट है वो भी उसी समय बैन कर दिया गया था शुरुआती दौर के अंदर। जो है जितने IEC मटेरियल है हमारा, वो भी उसी शुरुआती दौर में हम लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस में भी डेवलप करके उसको स्टेट्स को हम लोगों ने भिजवा दिया था। तब से लगातार हमारे मिनिस्ट्री में डेली ऑफिशियली प्रेस ब्रीफिंग होती है, जिसमें आप लोगों को अपडेट किया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं देश के साथ, आप सबके साथ। जो है अभी आप जानते हैं कि अभी तक भारत में 3 कन्फर्म्ड केसेस जो आए हैं, उन 3 कन्फर्म्ड केसेस को ये सारे के सारे केरला के अंदर एडमिटेड हैं, और इन सब की वुहान के साथ कनेक्टेड ट्रैवल हिस्ट्री है, इनफैक्ट वहाँ से आए। इसमें से जो ये सभी केसेस स्टेबल हैं, इनमें से जो है 2 केसेस ऑलरेडी नेगेटिव हो गए हैं, मतलब जांच के अंदर 1 उसमें से डिस्चार्ज भी हो गया है। और ये जो तीनों कन्फर्म केसेस हैं, इनफैक्ट दे आर ऑल स्टेबल, और जैसे ही ये बाकी 2 भी इनके टेस्ट के अंदर पूरा होने पे नेगेटिव होने पर इनको डिस्चार्ज किया जाएगा आने वाले समय में। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमने पहले ही दिन कुछ ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करी थी, जिनको जैसे जैसे सिचुएशन ने आगे यू कैन से डेवलपमेंट्स लिए, तो उनको भी हमने फर्दर रिवाइज़ किया। शुरुआत में हमने ट्रैवल को अवॉइड करने के लिए कहा लोगों को चाइना में, फिर रिफ्रेन करने के लिए कहा, और फिर हमने बाद में ये कहा कि अगर आप जाएंगे तो फिर आपको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा वापस आने पे। और हमने ये सारी चीज़ें आप ये जो है जितने एग्जिस्टिंग वीसाज थे, ये इंक्लूडिंग ई वीसा जो ऑलरेडी इशूड भी थे, उनको अल्टीमेटली हमने कहा कि दे विल नो लॉन्गर बी वैलिड, और इनको जितने भी फॉरेन नेशनल जो भी चाइना से ट्रैवल कर रहे थे, उनके लिए हमने इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो है ट्रैवल उसको भी जो है बैन किया। और जिनके लिए बहुत ज़्यादा कोई कंपेलिंग रीज़न है ट्रैवल करने का, उनको हमने एडवाइज़ किया कि आप जो हमारी चाइना में एम्बेसी वगैरह हैं, उनको आप संपर्क करके यू कैन बी इन टच विद देम। आप ये भी जानते हैं, आपके साथ ये सब जानकारियां पहले भी शेयर की गई हैं, कि वुहान से हम लोग 645 पैसेंजर्स को, मतलब अपने इंडियंस को, जिसमें करीब 645 जो पैसेंजर्स को लाए, उसमें 7 के करीब, 7 जो है वो मालदीव्स के, 645 प्लस 7 जो है वो मालदीव्स के थे। तो ये इनको हम लोग भारत में जो है एयर इंडिया के फ्लाइट्स की सहायता से, एयर इंडिया की सहायता से उनको भारत में लेके आए, और उसमें से 243 को हमने जो हमारा DGFMS का स्थान है मनेसर में, वहाँ पर रखा। 402 को हमने छावला में कैंप जो है ITBP का, वहाँ पर रखा। और अभी जो हमारे पास 11 फरवरी यानी दो दिन पहले की जो सुबह 10 बजे की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से ये सारे के सारे 645 के 645 लोग, दे हैव ऑल बीन टेस्टेड नेगेटिव, दे आर ऑल बीइंग मॉनिटर्ड डेली, इनके साथ साथ सभी स्टेबल हैं। बीच में किसी को कोई छोटा मोटा सिम्टम हुआ भी अगर, तो उसको बकायदा हम लोगों ने जैसे यहाँ अस्पताल में शिफ्ट किया, वहाँ पे मॉनिटर किया। बीच में शुरुआती दौर में कुछ लोग सफदरजंग वगैरह में भी आए थे। जैसा हमने बताया कि 21 एयरपोर्ट्स पर जो स्क्रीनिंग हो रही है, वो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग जो है, ये चाइना से, थाईलैंड से, हांगकांग से, फिर सिंगापुर, और अभी जापान और जो कोरिया है, ये 6 देशों से जो आने वाले हैं उनकी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। एक और जानकारी जो आपके ध्यान में आई होगी, जो
एक क्रूज़ शिप डायमंड प्रिंसेस जो एक जापान में एक क्रूज़ जो है वो समुंदर के बीच में ही जो अंडर क्वारंटाइन है, इसमें ये पोर्ट ऑफ योकोहामा में, इसमें 3,711 लोग ऑन बोर्ड हैं, जिसमें से करीब 439 पैसेंजर्स की जो टेस्टिंग की गई उसमें 174 हैव टेस्टेड पॉजिटिव, लेकिन इसमें हमारे 132 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स हमारे इसमें इंडिया के भी हैं, लेकिन इनको वहीं पे क्वारंटाइन किया गया एज़ पर द यू कैन से डिसीजन ऑफ द जापनीज गवर्नमेंट आल्सो एंड टेक्निकल एंड साइंटिफिक एडवाइस एक्सेट्रा। जो प्रेजेंट स्टेटस के बारे में मैंने बताया कि जो अभी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से हम लोग कुछ मेडिकल सप्लाईज़ इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा भी चाइना को भेज रहे हैं ऐसे गुडविल मेजर, और अभी जो ये लोग यहाँ हमारे 645 लोग प्लस 7 जो आए हुए हैं इनके लिए भी डिस्चार्ज के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, दे हैव ऑल बीन इशूड 13-14 डे पे व्हेन दे विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव विच दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, तो 18th डे को इनको डिस्चार्ज किया जाएगा बेसिकली। और इसके लिए इवन इंटरनल भी सारे देश के अंदर जो आइसोलेशन और जो मॉनिटरिंग हमारे सर्विलेंस ऑफिसर्स के द्वारा हो रही है उसके लिए हम लोगों का अपना इंटरनल पोर्टल है जिसके ऊपर भी हम लोग सारा देश आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी जो आपको सुनकर खुशी होगी कि इवन जो पेशेंट्स ये जो पैसेंजर्स आते हैं एयरपोर्ट पे और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जहां उनकी कोई जो हवाई जहाज में वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म भरते हैं या उनके सिम्टम्स के आधार पर या हमारे जो कॉल सेंटर्स वगैरह को फ़ोन करते हैं उसमें जिसमें कोई रिमोटली भी एक संभावना होती है कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ही माइट इन से 2 weeks डेवलप सिम्टम्स एंड ऑल, तो उनको हम लोग उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनको सारे देश के अंदर हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग एक एक केस का यहाँ पे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं एंड वी हैव ए वेरी यू कैन से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस मैकेनिज्म है जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो इसमें जो है हमने ये इस समय लगभग 15,991 लोगों का देश के अंदर हमने जिसे उसको अगर साधारण भाषा में कहें तो सिस्टम ने उनके ऊपर पैनी निगाह रखी हुई है, साइंटिफिकली वो अंडर सर्वेलेंस हैं 15,991 लोग सारे देश में, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ये उस फ्लाइट में आए और कहीं पर भी कुछ भी उनके हिस्ट्री के अंदर कुछ भी ऐसा लगता है तो उसको भी हमने सर्वेलेंस में रखा हुआ है, और जिसमें से करीब 497 को थोड़ा सिम्टोमेटिक केयर वगैरह दिया जा रहा है, किसी को कोई मान लीजिए कोई सिम्टम्स इत्यादि हैं और उसमें भी जो वेल डिफाइंड जिनके पास सिम्टम्स इत्यादि थे तो ऐसे 41 लोगों को ये मैं इनको आइसोलेशन में रखा गया। इसका जैसे लास्ट टाइम भी जब आप लोगों से बात हुआ था तो मैंने कहा था कि किसी को हम अस्पताल में अगर आइसोलेशन के लिए रखते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव केस है, क्योंकि कई बार अखबार में हम आपका भी सपोर्ट चाहते हैं, अखबार में सीधे खबर आती है 3 कोरोना के केस वहाँ एडमिट हो गए, 2 कोरोना के केस वहाँ पर हो गए, ऐसे किसी ने कहीं से सुन के अभी कहीं मैंने सुना कि खबर दिया कि 2 वहाँ कलकत्ता के एयरपोर्ट पे आ गए, तो ये एक्चुअली जो भी अभी इस तरीके से तो अगर आप सोचेंगे तो जो भी आदमी सर्वेलेंस में रखा हुआ है जिसको भी जो है क्वारंटाइन किया हुआ है वो एवरी केस इज़ नॉट इट इज़ लाइक एक्सट्रीम प्रिकॉशंस दैट द कंट्री इज़ टेकिंग टू एंश्योर कि छोटी सी भी संभावना हो तो उसको भी हम जैसे कहते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह लीजिए, इसको टू निप इन द बड कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो इस समय पूरे देश में अभी हमने 2,315 फ्लाइट्स से आने वाले पैसेंजर्स को स्क्रीन किया है और अभी इस समय आपसे मिलने के समय जो टोटल जो लेटेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 251,000
2,51,447 पैसेंजर्स को हम लोग जो है इन एयरपोर्ट्स वगैरह पे स्क्रीन कर चुके हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास 12 मेजर पोर्ट्स और 65 माइनर पोर्ट्स हैं, इन 12 माइनर पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स और 65 माइनर पोर्ट्स जिनका कि जहां पर चाइना से कनेक्टिविटी है पैसेंजर्स के आने की, इन पर हम लोग जो है करीब 5,776 पैसेंजर्स को स्क्रीन कर चुके हैं। तो ये इसका डेटा है। अभी जैसा कि हमने बताया था कि ये NIV पुणे से हमारे लैब्स जो है, जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लैब है, वहाँ पर टेस्टिंग शुरू किया था और अभी जो है लगभग 15 लेबॉरटरीज़ के अंदर जो है वो फैसिलिटी हमने ऑलरेडी क्रिएट करके शुरू कर दिया है। ज़रूरत पड़े तो हम इसको 50 लैब्स तक के अंदर ले जा सकते हैं, जिस समय पर भी हमें ज़रूरत पड़े इमीडिएटली हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं। आज तक हमने करीब 1756 सैंपल्स को टेस्ट किया है और इन 1756 सैंपल्स में से 3 केवल पॉजिटिव आए हैं, जिन केसेस का मैंने आपसे जिक्र किया है, और अभी 26 की रिपोर्ट जैसे कहते हैं कि आनी बाकी है। हमने पहले ही दिन आपको बताया था कि हमने एक कॉल सेंटर एस्टैब्लिश किया जिसका नंबर था 011 लैंडलाइन नंबर 2397-8046, जो 24 घंटे काम करता है, उसके ऊपर डेडिकेटेड लाइंस हैं और इसके ऊपर अभी तक हमको 4,000 के करीब कॉल्स हमारे पास डिफरेंट लोगों की इंक्वायरी, जानकारी, क्वेरी, वट एवर यू कैन से। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 357 कॉल्स हमारे को भारत के बाहर के लोगों की भी आई भारत के कॉल सेंटर से जानकारी लेने के लिए। इसी तरह हमारे मेल आईडी पे करीब 200 के करीब जो है हमें मेल्स भी मिली हैं और इन मेल्स को हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। जो मैंने आपको कहा कि जो पोरस चूँकि बॉर्डर्स हैं ये पांचों स्टेट्स के साथ, तो वहाँ पे होम मिनिस्ट्री और सबकी हेल्प से हम लोग स्क्रीनिंग वगैरह किया, उसके साथ साथ उसके जो नेबरिंग गांव हैं वहाँ पर जो पंचायती राज मिनिस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि बॉर्डर से कई बार और भी तरीके से लोग इधर उधर से आ जाते हैं बीइंग ए पोरस बॉर्डर, तो वहाँ पे हमने करीब ये 1795 ग्राम सभाएं की हैं इस बीच के अंदर, मतलब जिसे कहते हैं एक्सट्रीम प्रिकॉशंस लेने का काम किया है। इसके साथ साथ हम लोग जो अपने मालदीव्स को, भूटान को, अफ़गानिस्तान को, इनको भी हेल्प एक्सटेंड कर रहे हैं। इन लोगों में कई लोगों ने जो डिमांड किया कोई उनकी सैंपल्स की टेस्टिंग इत्यादि के लिए। अभी मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीज़ें थोड़ा जस्ट यू विल हैव ए फील ऑफ द लेवल ऑफ यू कैन से ये जो 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस का मैं आपको इनकी यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डिटेल कितना ज़्यादा हो सकता है, और ये दिस इज़ व्हाट वी आर मॉनिटरिंग एट दिस लेवल। यानी वो जो मैंने बताया देश में 15,000 तो है ही है, लेकिन इन 3 केसेस को भी हमने जो है किस लेवल तक ट्रेस किया, उसमें से एक दो का आपको मैं थोड़ा इसमें जो पेशेंट है उसका मैं नाम नहीं आपके सामने दूंगा बिकॉज वो नाम हमारे इसमें छपा हुआ भी नहीं है, लेकिन आप अगर इसको सुनेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि किस लेवल पर जो सारे सिस्टम्स हमारे ऑपरेट कर रहे हैं। और वी आर रियली ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी क्योंकि सारा देश भी इसमें कोऑपरेट कर रहा है, आप लोगों से भी वही हम कोऑपरेशन चाहते हैं कि कोई किसी तरह का भी पैनिक वगैरह नहीं इसके कारण फैलना चाहिए और लोगों को ब्रॉड जो जानकारियाँ हैं, ब्रॉड प्रिकॉशंस हैं, भाई अगर आपको कुछ जुकाम इत्यादि हुआ है, गला ख़राब हुआ है, बुखार हुआ है, कोई रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, फिर कोई आप अपने आसपास भी कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स की हिस्ट्री विस्ट्री है जो उनको कम से कम, और बाकी उनके लिए जनरल यूजुअल पर्सनल हाइजीन इत्यादि हैं वो सब बातें आप लोग जानते हैं। तो ये दो लोगों की मैं आपको ट्रेवल हिस्ट्री ये जो इनकी है सुनाना चाहता हूँ। 20-year-old मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग इन वुहान, डॉटर ऑफ सच एंड सच, इज़ एडमिटेड एट GH थ्रिसूर
सिंस 21 जनवरी 2020 2:45 PM शी लेफ्ट वुहान ऑन ट्रेन टू क्यूमिंग अलॉन्ग विद मोर देन 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम हर कॉलेज. फ्रॉम क्यूमिंग शी लेफ्ट फॉर कोलकाता बाय चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस MU555 एंड रीच्ड बाय 11:45 PM ऑन 23 जनवरी 2020. शी टुक द फ्लिट टू नीडम बेसरी ऑन 24 जनवरी 2020 3:30 PM बाय इंडिगो एयरलाइंस A320 अलॉन्ग विद मोर देन 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम हर कॉलेज. शी रीच्ड नीडम बेसरी बाय 6:30 PM एंड ट्रेवल टू हर हाउस एट पुनक्का बाजार मथिलाकम बाय कार. हर फादर ड्रोव द कार एंड वॉज एकम्पनीड बाय हर मदर 49 years old एंड ब्रदर 18 year old. ऑन द वे दे स्टॉप्ड एट ए रेस्टोरेंट नियर शांतिपुरम पेट्रोल पंप फॉर डिनर एंड रीच्ड होम बाय 10 PM. द नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी रिपोर्टेड एट PHC मथिलाकम अलॉन्ग विद हर फादर हु ड्रोव बाय मोटरसाइकिल. After reporting, she returned home at 11 a.m. without any stops in between. That day, she had no symptoms but was using face mask. One of her neighbors named Sach, around 50 years of age, and one of her brother's friends visited the house but did not meet her in person. The same day, the servant named Usha, 60 years... came for work at the house. X mostly kept to her room on the ground floor, leaving the room only for food. On 26th, she stayed at home and was asymptomatic. However, father went to work till noon and brother attended his tuition center at Kodangalur. There were no visitors on that day. Her father works at such and such place, which is open on all work days, 7 a.m. to 8:30 p.m. Her brother is a class 11 student of such and such school near Asmabi College. On the morning of 27th, she experienced sore throat and dry cough with more fever. She informed the health inspector at Mathilakam. After receiving instructions from the district medical officer, Thrissur, she was transported by the ambulance of THQH Kodangalur to General Hospital, Thrissur. There she was started on such and such tablet, paracetamol and antihistaminics. Throat swab was taken on 27 January. She is ambulant, taking her of himself but occasionally interacting with her mother. अब ये आपको सिर्फ इसका ये दिस इज़ द लेवल ऑफ अब इसके बाद जो बताने की चीज़ साथ में है कि वो दूसरा है, वो दूसरा केस है, वो अभी बताते हैं दूसरा केस. ये अब इसमें एक एक आदमी का जो मतलब उसकी हिस्ट्री तो कहाँ से कहाँ तक ट्रेस किया, उसमें एक एक आदमी जो रास्ते में कहाँ कहाँ कौन कौन मिल सकता है, किस किस की संभावना हो सकती है, उसकी भी इतनी डिटेल्ड हमारे पास उस ट्रेसिंग के बाद उसका रिकॉर्ड है कि मतलब यू कैन इमेजिन द लेवल एट विच द सिस्टम इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली एंश्योर कि वी डू नॉट मिस इवन 1% चांस. कोई 1% चांस भी है कहीं पर किसी तरह का. एक दूसरा एक केस है इसके बारे में मैं अच्छा ये 162 इसके हैं कि इसके हैं. अब ये जो दूसरा ये तीन में से दूसरे केस का आपको सुना रहा हूँ. इसके लिए 162 कॉन्टैक्ट्स को हमने ट्रेस किया और इसकी हिस्ट्री आप सुनेंगे यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. इसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है, दिस इज़ ए 23 ईयर ओल्ड मेल स्टूडेंट इन वुहान हुबेई. यू लुक एट हिज ट्रेवल हिस्ट्री. Flight 6E7302 from Guangzhou, China to Kolkata on 25th
1, 2020 at 5:50 AM. Then he stayed at the airport till next flight. Then from Calcutta, he took flight 6E994 from Kolkata to Bangalore on 25th January 2020 at 3:10 PM in the afternoon. Then from Bangalore airport to hotel in a taxi. Then stayed at Hotel Capital O, Bangalore for a day. Then traveled from hotel to Bangalore airport. Then flight 6E463 on 26th January 2020 from Bangalore to Cochin on 26th January 2020 at 8:35 PM. Then landed at 9:40 PM at Cochin airport. Then Cochin airport to Aliwa railway station by taxi on 26th 1 2020. Then Aliwa railway station to Angamali by train, that is train number 16629, that is Malabar Express, at midnight, and reached hotel by an auto rickshaw and stayed in hotel St. Mary's residence. Then from hotel to Aliwa railway station traveled by KSRTC bus on 27th January 2020. Then from Aliwa at in the night, that's sorry, in the afternoon, 13:37 to Kanhan Ghat at 19:30 hours by Mangala Lakshadweep Express train 12617, S2 coach, seat number 27 and 30. Reached home by own car 20 hours from Kanhan Ghat railway station. ये मैंने हिस्ट्री का जिक्र इसलिए किया कि ये जो तीन केसेस हैं, अब इसमें इसकी इस हिस्ट्री के अंदर हमने 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया है, टैक्सी वाले से लेकर और बस वाले तक. और हैं पहले वाले किसमें कितने थे कॉन्टैक्ट्स, हाउ मेनी पर्सन्स? पहले वाले का बताओ भैया एग्जैक्ट कितने थे. 49 इन फ्लाइट एंड 45 इन कम्युनिटी. 45 in community. I request. But that is an academic this thing. But what the point that we are wanting to make is ki you have to number one, the country has to be assured that whatever is technically, physically, scientifically, ethically, socially possible, we are trying to do number one everything. Number one, we also want the support of the community. And number three, we want the support of the media also, that at least pass on the right information to the people. जितना उनको कोई डराना हमें नहीं है, लेकिन जितनी आवश्यक जो उनकी तरफ से हमें इनपुट्स मिलने चाहिए, वो सारे के सारे भी हमारे कॉल सेंटर पे, दूसरी जगह पे, और आप भी जो पॉजिटिव सही जानकारी जो है ठीक ढंग से अगर लोगों तक आप ट्रांसमिट करेंगे, तो आई एम श्योर कि अब जब एक बार अच्छी तरह से जितने पॉसिबल तरीके से हमने चीज़ को रोकने का प्रयास किया है, तो भले ही हमारे पड़ोस में इतना बड़ा परेशानी हो रही है, लेकिन हम उसके बावजूद भी जो है अपने देश को जो है उसके जो एक प्रकार से ख़तरनाक प्रोपोर्शंस में वो ग्रो करे, उससे हम बचा सकते हैं. दैट इज़ द पॉइंट दैट वी वॉन्ट टू मेक थ्रू दीज हिस्ट्रीज़, की इस लेवल पर करीब कितने अभी हमने बताया, इतने हज़ार लोगों का हम लोग फॉलो कर रहे हैं. ये नहीं कि हवाई जहाज से उतरा, हमने कोई कागज़ में फॉर्म भरवाया है उसका, और उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया अगर उसको कोई फीवर नहीं है, उसमें भी सेलेक्टिवली जो है. और बाकी सबको भी हम एडवाइज़ कर रहे हैं कि भाई आप बेहतर है कि घर में जाके अपना 28 दिन का होम वो कर लो, क्वारंटाइन कर लो. एवरी वन इज़ बींग एडवाइज, और जिसमें ज़रा भी किसी भी रीज़न से हमको लगता है कि इट कुड पोटेंशियली बी समथिंग विच कैन डेवलप सिम्टम्स और वट एवर, उसको हम अपने सारे सर्वेलेंस मैकेनिज्म से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसके ऊपर पूरी पैनी निगाह हम लोग रखे हुए. तो फाइनली आई वॉन्ट टू लाइक थ्रू यू अश्योर द कंट्री दैट द होल इशू इज बींग मॉनिटर्ड, वॉश्ड विद अटमोस्ट एबंडेंट आई थिंक इंफॉर्मेशन, एंड जितना भी इसके लिए मैं पर्सनली एवरी डे I talk to the WHO people, regional director WHO से मैं हर रोज़ टेलीफोन पर बात करता हूँ. I share all what is happening
across the world, so that if there is anything, and we tell them that if you advise us to do something more, we are willing to do that more. If there is anything that you have detected anywhere ki uske karan hum mere paas koi improvement ki gunjaish hai to aap humko bata dijiye. Isse chauthe din DGWHO se bhi jo hai phone pe baat hoti hai WhatsApp ke upar. To kehne ka matlab ye hai ki hamari sarkar ki taraf se aur swayam hamare pradhanmantri ji jo hai is vishay ko बहुत गहराई और गंभीरता के साथ इसका चिंतन कर रहे हैं. सारे देश के साथ हमने पार्लियामेंट मेंबर्स के थ्रू पार्लियामेंट में भी शेयर किया था. तो हमने सोचा कि अभी पार्लियामेंट वगैरह समाप्त हो गई है, आज सुबह यहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी हुआ, उसमें हमारे सभी 100% अटेंडेंस थी. एवरीवन वाज एक्सपेक्टेड देयर, एवरीबॉडी वाज देयर. सबके कोई इंपॉर्टेंट कार्यक्रम भी होंगे, सबने छोड़ के एवरीबॉडी वाज देयर. यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ पर थे, शिपिंग वाले मिनिस्टर और जो फार्मास्यूटिकल्स के वो भी जो उसके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट हैं, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम अफेयर्स वो भी यहाँ पर थे, हमारे अपने कुलीग जो हैं चौबे जी वो भी थे, यानी पूरे एंड ऑल द सेक्रेटरीज वर देयर, फॉरेन सेक्रेटरी और जितने होम मिनिस्ट्री से लेकर सब जगह के सारे जो ऑफिसर्स थे देवर ऑल देयर. हमने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया, रिव्यू किया, और भी वो लोग भी अपने अपने मंत्रालयों में उनका जितना रोल है उसको लगातार रिव्यू कर रहे हैं. एंड दे वी आर एक्सचेंजिंग नोट्स, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन. शी इज़ इन टच विद ऑल हर सेक्रेटरी कुलीग्स, आई एम इन टच विद ऑल माई मिनिस्टर कुलीग्स, द प्राइम मिनिस्टर इज़ इन टच विद एवरी वन, ही टॉक्स अबाउट इट इन द कैबिनेट ऑल्सो. तो एवरी वन इज़ ऑन द यू कैन से हाई अलर्ट. तो आप लोगों से भी यही है कि भाई सही जानकारी लोगों को आप बताते रहें. और सब जो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक 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 डिसीजन अबाउट जापान शिप, यू नो देयर हैव बीन सम मीडियंस देयर, दे आर देखिए देखिए ऐसा है कि उसके बारे में जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने सारा ब्रीफ किया. अभी जो जो उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो जापान की जो गवर्नमेंट ने जो तय किया, बिकॉज उन्होंने सारे लोगों को उस पर शिप पर ही क्वारंटाइन किया हुआ है. अभी फ़िलहाल वो स्थिति है. जब वो जापान के लोग इनफैक्ट उसको उस क्वारंटाइन से बाहर निकालेंगे और उसके बाद उनको अगर अपने देश में लाने के लिए वो हमारे को परमिशन देंगे या जो भी कुछ स्ट्रैटेजिकली तय होगा, तो वी आर रिसेप्टिव. हम लोग पहले भी, आप जानते हैं कि पहले भी जो है इतने सारे अपने लोगों को हम लोग वहाँ से लेकर आए हैं वापस, तो आवश्यकता के हिसाब से उसके बारे में भी कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा तो आपको तुरंत सूचित किया जाएगा. एक एक करके पूछ लीजिए, मैं सबकी बात. नहीं नहीं, वो तो लगातार देखिए हमारा एक्सटर्नल अफेयर सर वो तो लगातार टच में है ना. अभी एम्बेसी इज इन टच विद, मतलब वो तो हाई लेवल पे तो टोटल एवरीथिंग इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड. बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक शिप के ऊपर जो स्ट्रैटेजी है उस पर कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग क्वारंटाइन में है, सब किया हुआ, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हमारे आदमी को बीच में से ही आप निकाल दीजिए. वो तो वहाँ तो आप कुछ बताना चाहें. पॉजिटिव केसेस ऑफ द शिप हैव ऑलरेडी बीन हॉस्पिटलाइज्ड बाय द जापानीज अथॉरिटी एंड द शिप इज क्वारंटाइन्ड एंड द क्वारंटाइन एंड्स ऑन 19th ऑफ फरवरी. आपको मैंने बताया ना एग्जैक्ट ऑब्वियसली देखिए वो तो जब वो जो जापान की सरकार कर रही है वो भी उनके सबके लार्जर इंटरेस्ट में ही कर रही है ना. वी कांट से कि हमारे इसमें जो लोग हैं इनके लिए आप अलग पॉलिसी बनाइए. तो अगर हमें 645 को हम ला सकते हैं तो उनको भी जब लाने की बात होगी तो वो भी हम पॉजिटिवली ही टेकअप करेंगे, उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है. कुछ लोगों ने क्रू मेंबर हैं, उन लोगों ने इस बात की शिकायत की कि दे आर ऑन ड्यूटी, तो ऐसे में देयर चांसेस एंड रिस्क ऑफ गेटिंग एक्सपोज्ड इज मच हायर. सो उन्होंने सेग्रीगेट करने की डिमांड की है कि जब तक अगर क्वारंटाइन में है तो कम से कम उन्हें सेग्रीगेट किया जाए. नहीं, वो तो देखिए जो भी उनके लिए बेस्ट हो सकता है दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन. और हमारी जो वहाँ पे एम्बेसी है और हमारा मंत्रालय वो तो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर ही रहा है. वो तो अब देखिए अब बाहर आपके क्या कोई कहता है, लेकिन उनके लिए जो कुछ भी बेस्ट साइंटिफिकली हो सकता है दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन क्रू मेंबर्स वगैरह के लिए. और डॉक्टर साहब, मेडिसिन के लिए हम जो है चाइना पे बहुत डिपेंडेंट हैं. जी, जो कंडीशन वहाँ पे चल रही है
अभी आज ही हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, अच्छा किया आपने पूछ लिया, क्योंकि मैंने भी कहीं किसी हिंदी अखबार में ऐसी कुछ खबर वगैरह पढ़ी थी। तो आज हमारे जो मिस्टर वो है अपने मंडाविया जी जो है ना, मनसुख जी जो है, उन्होंने हमें बताया कि ऑलरेडी उनके मंत्रालय ने, फार्मास्यूटिकल्स के मंत्री है ना, अगले 2-3 महीने के लिए उन्होंने ऑलरेडी सारे, मतलब पूरा अच्छी तरह से जो रेलेवेंट चीज़ों का स्टॉक वगैरह, ही हैज़ एंश्योर्ड दैट देयर इज नॉट गोइंग, इन केस ऑफ एनी यू कैन से अनटूवर्ड्स सिचुएशन विच माइट एमर्ज, उसकी भी सोच के उन्होंने सारी दवाइयों के एंगल से उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली आज सुबह की मीटिंग में कहा कि सरकार ने उसकी पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। अरे भैया तो और भी स्टॉक हो जाएगा उसकी, कोई अब देखो ऐसा है कि अब आप इतना इतना आप ऐसा है कि आप इसको बस एक लाइन में समझ लीजिए कि सरकार ने इस विषय की भी पूरी गहराई और गंभीरता से ध्यान करके पर्याप्त प्रबंध करके रखा है। अब एवरीथिंग इज प्लान, डोंट वरी, अभी सारे प्लान आज ही मत पूछो ना। सर आपने इंतजाम कब किया, लेकिन राहुल गांधी ने चिंता जताई केंद्र सरकार कुछ नहीं। देखो ऐसा है, मैंने राहुल गांधी जी के ट्वीट का जवाब उसी समय दे दिया था। अब मुझे तो पहले तो पता नहीं कि वो उस समय लोकसभा में थे कि नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल से रहे होंगे। अब या तो उन्होंने हमारे स्टेटमेंट को पूरी अटेंशन से सुना नहीं, मैं तो सब चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि WHO से 2 हफ्ता पहले भारत ने जो है ना, हमने 17 तारीख को शुरू किया, WHO की तो एक मीटिंग 21-22 को भी हुई थी, उसमें भी उन्होंने फैसला नहीं किया, देवर इन्हें यू कैन से डिस्कसिंग अबाउट इट, 30 तारीख को डिक्लेयर किया उन्होंने, कब किया, बट दैट इज़ नॉट, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो लगा, हमने अपने सिस्टम में हमने इंतजार नहीं किया कि WHO डिक्लेयर करेगा, हमने जब चाइना से इस तरह की खबरें आनी शुरू की हमने शुरू कर दिया। अब देखो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ मत कमेंट हमसे पूछो ना, हम उनके हमारे देश के आदरणीय नेता हैं, इतने बड़े राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही हैं, उनकी दादी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने उनको कल ट्विटर पे ही जवाब लिख के भेज दिया था, अपनी स्टेटमेंट भी भेज दी थी जो पार्लियामेंट में मैंने दी थी, डिटेल में उनको जवाब दे दिया था। नहीं नहीं, मास्क वगैरह के लिए शुरुआती दौर में ही हमने आपको जैसा बताया, मास्क और जितना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह है उसका एक्सपोर्ट वगैरह भी तुरंत हम लोगों ने बैन कर दिया था। सारी जो स्टेट्स को एडवाइजरी दी उसमें भी हमने उनको कह दिया कि पर्याप्त मात्रा में आप बेड्स को आइसोलेशन के वो भी सब कर लीजिए, वेंटिलेटर्स की अरेंजमेंट कर लीजिए, सारे प्रोटोकॉल्स अच्छी तरह से क्लिनिकल गाइडलाइंस वगैरह नीचे तक ट्रांसमिट कर दीजिए, और ये जितने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मास्क वगैरह ये सब प्रोक्योर करके रख लीजिए, एक एक करके एक एक। मदद तो जो वो आपको बताया ना कि ये मेडिसिन इत्यादि या कोई मास्क वगैरह इसी तरह के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वगैरह उसकी which are required to handle these emergencies and those are being shipped. This includes masks and all also. Sir, one clarification. The foreigners who have been to China on or before January 15, they are not being allowed to enter into India. So that's the correct? Foreigners who have been to China on or before January 15, they are not being allowed to enter into the country. नहीं, वो तो हमने आपको अभी, मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी वीजाज हैं, जो इवन ई वीजाज भी थे, वो तो हमने सब कैंसिल ही कर दिए ना। तो हमने काफी दिन पहले ट्रैवल एडवाइजरी दे दी थी, जो हमने वहाँ से आने के लिए किसी का भी था, वो चाहे फॉरनर का था चाहे हमारे उसका था, वो तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था ना। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ ई वीजा, स्टॉपिंग ऑफ ई वीजा। हाँ, ई वीजा भी हमने अभी बोला, अभी बताया आपको, ई वीजा भी या पर्सनल अपीयरेंस से भी, जो वो सारे हमने तो काफी दिन पहले की एडवाइजरी में हमने उसको वो कर दिया था। नहीं, देखिए
and we have taken at, as per protocol action, उनके samples भी लिए हैं. ये वही बात है देखो जो मैं अभी कह रहा हूँ कि जैसे इस तरह की बात है ना, ये केस आ गए, दो केस आ गए, इसको इस तरह से डोंट मतलब वही समझने की बात है कि हम तो ऐसे 15,000 लोगों को जो है मॉनिटर कर रहे हैं जिनका कुछ भी डाउट लग रहा है किसी भी तरीके का. तो I would like to tell you कि this is a time tested model. You know, ये हमने निपा के दौरान केरला में किया था. केरला has actually done very well in this. तो this works because मैं मेरे को कोई symptom है, मुझे मालूम है मैं चाइना से आई हूँ. मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी family members को या अपने friends को infect करूँ. You see that works very well because you don't want to, you're over extra cautious. मगर कैसे करना है, दैट ऑल इज वेरी क्लियरली डिफाइंड. एंड देर आर ऑल्सो सर्वेलेंस ऑफिसर्स, उनके जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जाते हैं, देर आर इन टच, और उनका उनका हेल्थ स्टेटस भी मॉनिटर किया जाता है. सो देर आर लेड गाइडलाइंस. तभी हमने बोला कि होम, सर ने जैसे बिगनिंग में बताया आपको, होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस भी हमने बनाई है. They are all available on our website. Please have a look at it. Sir, China mein pehle ye mana ja raha tha ki subside ho raha hai cases, but aaj suddenly there is a spike. 15,000 ke kareeb new cases hai, 240 over 240 deaths hai. Are we trying to understand what happened there? And देखिए ऐसा है कि ये जो आप जो अभी कल उन्होंने एक थोड़ा सा टू बी आई थिंक दैट इज़ अनदर दे हैव रिवाइज देयर स्ट्रैटेजी एंड दे आर नाउ हैविंग ए स्ट्रैटेजी विद यू कैन से एक्सट्रीम प्रिकॉशंस. अभी उसमें क्या है कि वो जो टेस्ट से पॉजिटिव वाले केसेस के साथ साथ जो क्लिनिकल सिम्टम्स वाले केसेस उनको लगते हैं उनको भी उन्होंने अभी फिलहाल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उसको पॉजिटिव की तरह उस तरह से गिनना शुरू कर दिया ताकि कोई ज़रा सा भी, क्योंकि देखिए जिसके अंदर संभावना होती है उसको तो सो दैट इज दैट जो जो आपको पीक किया जो आपको 15,000 दिख रहा है ना कि कल 15,000 ऐड हो गया, रोज 1,000 हो रहा था, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने क्लिनिकल सिम्टोमेटोलॉजी वाले लोगों को भी उस कैटेगरी में ऐसे आई थिंक इट्स ए गुड वे ऑफ टेकिंग इट्स बेटर टू ओवर डू रादर देन अनडू मतलब डूइंग लेस तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली. क्यों इज इट राइट ना ये आप ये ही कैन गिव यू फर्दर डिटेल्स अबाउट इट. नीड टू बी डिफाइंड इनटू सस्पेक्टेड प्रोबेबल एंड कंफर्म. सो व्हाट चाइना डिड यस्टरडे इज दैट अर्लियर व्हाटएवर दे वर रिपोर्टिंग वर द केसेस व्हिच आर द कंफर्म्ड केसेस व्हिच आर कंफर्म्ड केसेस आफ्टर द सैंपल टेस्टिंग. नाउ फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड द लेटेस्ट स्टेटस व्हाटएवर आउट ऑफ द 14,840 न्यू केसेस दे हैव रिपोर्टेड of which 13,332 are clinically diagnosed cases. So they may be probable cases, but they have not been, the sample has not been confirmed. So if you see actually the sample confirmed cases from that analysis comes out only 1,508 cases yesterday. But they are being extra cautious. That is why they are including all clinically diagnosed cases also, so that they can also sort of clamp it much faster. So are we planning to do that as well? We need not because we have a defined clinical protocol, we have defined guidelines, and as of now we have only got 3 confirmed cases. So based on that, as per protocol, we'll take our action. So Nipah, in any case, as sir has mentioned, 15,000 plus cases are being monitored in community. So they are in the cases where either they have a travel history or they have some contact. पैसेंजर्स, किसी ने कुछ भी हिस्ट्री में लिखा, हमें किसी भी बात से, किसी ने हमारे कॉल सेंटर पे भी फोन किया, हम ऐसे सारे केसेस को एक्सट्रीम सर्वेलेंस में रख रहे हैं. वो केसेस नहीं है बेसिकली. मतलब जी निपाह को लेकर स्टडी चल रही थी मणिपाल रिसर्च यूनिवर्सिटी में यूएस सीडीसी के साथ, उस पर रोक लगा दी गई है, जिसका क्या कोरोना से कोई रिलेशन है या इस तरह की क्या दूसरी भी स्टडीज चल रही है जिसकी गवर्नमेंट से मंजूरी नहीं है और वो बाहर की एजेंसियों के थ्रू चल रही है? आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद दिस. ये जो आप ये बिल्कुल एकदम सेपरेट चैप्टर है, आप कौन सी चीज की बात कर रहे हैं वो इट हैज नथिंग टू डू विद दिस. डोंट कंफ्यूज द इशू. सर आई हैव अ क्वेश्चन हियर सर. आई जस्ट वांट टू नो व्हेन विल द पीपल हु हैव बीन क्वारंटाइन इन द टू आर्मी फैसिलिटीज अभी तो बस शुरू हो गए, उनका शुरू हो जाएगा.